इंदरगढ़ पुलिस का जनसंवाद कार्यक्रम होटल महाराजा में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस और जनता के बीच बेहतर तरीके से पारदर्शिता एवं समन्वय स्थापित हो इसको लेकर पुलिस अधीक्षकों को पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने के आदेश जारी किए थे। पुलिस अधीक्षक दतिया वीरेंद्र कुमार मिश्रा के आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार रविवार को दतिया जिले के सभी थानों में पुलिस और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आयोजित जनसंवाद की जानकारी हुए इंदरगढ़ थाना प्रभारी उपेंद्र दुबे ने बताया कि इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण, गणमान्य नागरिक, प्रबुद्धजन, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े व्यापारीगण, जिससे डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षाविद सहित नगर के व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि, यो सरपंच, जनसामान्य से जुड़े समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों को जनसंवाद में आमंत्रित किया गया। पुलिस द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में आमंत्रित गणमान्य नागरिकों ने उनके निवास के क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण, पुलिस से अपेक्षा, सुरक्षा संबंधी समस्याओं व सुझाव प्राप्त किए गए तथा पुलिस कार्यप्रणाली के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे ने पुलिस जनसंवाद के माध्यम से नगर की समस्याओं तथा पुलिस के कार्यों पर उपस्थित सदस्यों से सुझाव मांगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवहरे ने बताया कि जनसंवाद से प्राप्त जनता के सुझावों पर पुलिस कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित कैसे हो इसकी जानकारी भी उपस्थित गणमान्य नागरिकों को दी गई। तो महिलाएं भी साथ में रहती हैं और पुरुष भी रहती है और मोटरसाइकिल से उनका आवागमन माल खत्म हो गया दोबारा आ जाता है। इस पे ब्राह्म अभी तक लग नहीं पाया। नहीं, तो है ही जहरी, वो रोजाना पी रहे हैं, उनको ऐसा नहीं हो रही। सऊदी है जितनी सेवा पुलिस कर सकती है उसके बारे में मैं अपने जिले नगर के नगर अध्यक्ष श्री राम सेवक मंडेलिया जी से निवेदन करूंगा कि वो श्री मुद्दा उठाया गया जो अभी ट्रैफिक के लिए उसके बारे में तो सब